आइए दोस्तों, आपको सिखाते हैं तरपाई करना। ये हमारी सुई है, ये इसमें हमने धागा डाला हुआ है। ये डबल दो लेयर का है, ये देखो ये डबल है। और इसको हमने एक छोटा रखा है, एक बड़ा। यहाँ नीचे नॉट बांध लिए और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे किसी की पैंट पैंट की तरपाई खुल जाती है, कभी सूट की खुल जाती है तो अच्छी नहीं लगती है, तो आप घर में ही खुद बैठ के कर सकते हैं। ऐसे धागा लें और एक उंगली ये वाली होती है और नीचे रखें और ऐसे इसको पकड़ लें, ऐसे अंगूठे से ऐसे दबा लें और ये इस तरह से ऐसे, ये देखो ऐसे ऐसे। वैसे धागा मैंने ये काला लिया है इसमें दिखने के लिए, नहीं तो सेम कलर का धागा होना चाहिए उसमें, सेम कलर का होगा तो पता नहीं चलता, इसलिए मैंने थोड़ा ब्लैक कलर का लिया है, इसमें आप टाँका आपको नज़र आ जाए। इस तरह ऐसे ली ये यहाँ से, और ये जरा सा नोक चुबाई और ऐसे निकाल ली। यहाँ देखो जरा सी नोक, ये जरा सी दिख गई ना, ये सफ़ेद सफ़ेद वाइट दिख रही है। और ये ऊपर ऐसे पकड़ के खींच लो, ऐसे ऐसे खींच। ये देखो छोटे छोटे टाँके दिख रहे हैं, ये हैम के हैं। ये पीले रंग से सेम से लगाओगे तो पता नहीं चलता है फिर, इसलिए मैं थोड़ा आपको दिखाने के चक्कर में मैंने दूसरा रंग लिया है। इसको ऐसे पकड़ लो, ऐसे मोड़ते जाओ, करते जाओ, फटाफट जरा सा टच करना होता है बस। और अगर नीचे मोटा दिखा दोगे तो फिर ये अच्छा नहीं लगेगा, ये जरा जरा सा टांका दिखना चाहिए। तरपाई का मतलब होता है यहाँ सिलाई दिखे नहीं। अब ये पीला होता है तो इसमें पता भी नहीं चलता, तो इसलिए काला ही देखो टांका, करीब इतना इतना गैप होता है ये तरपाई का। और ये पक्का हो जाता है एकदम, पैंट का या किसी का भी सूट का। अब जैसे आपको चौड़ा करना है चौड़ा करना है, ऐसे फोल्ड करना है चौड़ा करना है चौड़ा कर लो, और बारीक करना है जैसे साड़ी के पल्ले मोड़ने होते हैं, तो इसको ऐसे करके ऐसे नाखून से ऐसे पकड़ो और ऐसे करके ये इतना तोड़ लो। अब घर में प्रेस है, प्रेस से तोड़ लो ऐसे करके इसको, है ना, ये इस कर तोड़ लो ऐसे प्रेस से। ज़्यादा गर्म मत लगाना, पता लगे कपड़ा ही जल जाए, तो देख के बोले ये देखो ऐसे फोल्ड करके हेम कर लो पल्ला। बार पी को कराने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर में छोटे मोटे काम सिलाई निकल जाती है, तो उसके लिए इस तरह से आप तरपाई कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।